जतारा के नवीन बस स्टैंड की मांग को लेकर जतारा नगर के भाजपा के पदाधिकारी अपनी ही भाजपा के सत्ता के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में एक रैली निकालकर नवीन बस स्टैंड की मांग को लेकर भाजपा के पदाधिकारी एवं विधायक के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचते ही एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं नारेबाजी करते हुए बोल रहे हैं कि उठाओ डेरा जाओ पलेरा, यह नारे लगाते हुए जतारा एसडीएम को जतारा के समस्त नगरवासी एवं भाजपा के एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। हम लोग 20 मार्च 2017 में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 945/8 में बाईपास रोड पर 4055 आर जमीन आवंटित की गई थी। उसमें चमत्कार हुआ 2021 में जब प्रशासक थे तो उसमें 2610 आर स्टेडियम के लिए, या बाद में ये कहना हो जाएगा वहाँ स्टैंड कैसे बनेगा, 650 आर जगह है। तो हमारा कहना यह है प्रशासन से कि माननीय कलेक्टर महोदय ने जो 20 मार्च 2017 को 4055 आर जगह स्टैंड को की थी तो वो स्टैंड के नाम ही वो रहे, वो वहाँ पर स्टैंड का काम लगाया जाए। जैसे आप बीजेपी में आप बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और सरकार में रहते हुए भी आपको जब जन आंदोलन के लिए बात होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी सरकार की कमजोरी नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं वो क्या हुआ है कि ये 2021 में इनने 3 भागों में उस जगह को बांट दिया है। प्रशासक जब थे, जब नगर पालिका में प्रशासक थे, जब उनने मतलब गुप्त रूप से कार्रवाई की है, किसी को पता नहीं पड़ा। जब ये स्टेडियम के टेंडर लगे हैं, जब पता पड़ा है कि ये इसमें स्टेडियम के लिए भी जगह आवंटित हो गई, इसीलिए इसके रोड विस्तार के लिए आवंटित हो गई है, इसमें नगर पालिका भवन और नगर पालिका परिषद के लिए भी उसी खसरा में आवंटित, जबकि बाईपास में कई नंबर हैं, स्टेडियम बनाना हो तो 9 हेक्टेयर के नंबर खाली रहे हुए हैं, वहीं पर क्यों? सीएम राइज के लिए जतारा के लोगों को आंदोलन करना पड़ा था, आज बस स्टैंड के लिए भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे चल के और भी जो विकास के मुद्दे हैं आप लगातार आंदोलन के लिए बात रहेंगे कि जमीन स्तर पर कुछ नहीं? नहीं हमने उसमें भी प्रशासन को बताया था सीएम राइज के बारे में, तो सीएम राइज में प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और सीएम राइज स्कूल जतारा बना है, यहीं पे बना है, स्टैंड भी यहीं पे बनेगा, स्टैंड यहीं पे बनेगा, यहीं बनेगा। बंद दिया है आज जतारा की जनता और वार्डवासियों की जनता जो आई है, यहाँ किस बात का? वार्डवासी नहीं, नगर जतारा के हैं सब, एक वार्ड के लोग नहीं है ना, एक वार्ड वाले यहाँ आए हैं। अच्छा, पूरे नगर जतारा के लोग हैं, 5 वार्ड के हैं, 6 के हैं, मैं 12 का हूँ, 7 के हैं, हर वार्ड के लोग हैं, 4 के लोग हैं, 3 के हैं। किस संबंध में आप आए? इस संबंध में आए कि जो पहले स्टैंड के लिए कलेक्टर महोदय ने जो जमीन प्रस्तावित की थी, आवंटन जमीन का हो चुका है, नगर पालिका के नाम दर्ज हो गई है जमीन, उसके बाद वहाँ टेंडर भी हुए, काम भी लगा, काम का पेमेंट भी हुआ, उसके बाद जो है टेंडर निरस्त किए गए, पार्षद जब चुनी गई नहीं उसकी पहली मीटिंग में टेंडर निरस्त किए गए, और टेंडर तो पूरे जतारा को मालूम है कि किसके नाम टेंडर थे और कितने बिलों पे थे, इसलिए वो खुद काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए जानबूझ के टेंडर निरस्त करवाए, और अब वहाँ पर जो है अब नए टेंडर लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन का कम से कम 12-13 लाख रुपया पेमेंट भी हो चुका है वहाँ उस काम का, वो पैसे की भरपाई परिषद करेगी या नेता करेंगे जो सत्ता वाले हैं, कौन करेगा? वो जनता का 13 लाख रुपया कहाँ से वसूल होगा? अब बस स्टैंड नहीं बन रहा है तो उसमें क्या मांगे? बस स्टैंड नहीं बन रहा है तो 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनको इस से अवगत कराया जाएगा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो, जब मुख्यमंत्री जी भी नहीं सुनेंगे तो जनता है, जनता के पास तो एक ही हथियार है, आंदोलन। तो क्या हर बार जतारा की जनता को अपने लिए विकास के मुद्दों के लिए हर बार सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा? बिल्कुल उतर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि दुर्भाग्य है जतारा का कि ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं कि जिनकी जाति दुश्मनी जतारा से है, कोई भी योजना जतारा के लिए आती है और खींच के 5 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, समझ में? इसलिए जनप्रतिनिधियों की जाति दुश्मनी जतारा से है, इसलिए अब तो प्रण है कि अगर वहाँ पर स्टैंड नहीं तो सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं, वोट नहीं। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग कोई नए काम की मांग नहीं कर रहे हैं, ये काम पुराना है, जहाँ पर काम हो चुका है, अधूरा निर्माणाधीन काम क्यों बंद किया गया, किसके कहने पर किया गया, किसका इंटरेस्ट है, ये हम लोगों को पता नहीं है। हम लोगों की कोई नई मांग नहीं है, नगर परिषद द्वारा
2018-19 में स्वीकृति दे दी गई थी। बस स्टैंड के टेंडर भी हो गए थे, ठेकेदारों को काम आवंटित भी हो गए थे और काम भी शुरू कर दिया गया था। उसके बाद किसके कहने से, किसके इंटरेस्ट से क्यों हुआ है ये हम लोगों को पता नहीं है। पर्दे के पीछे पूरा खेल हुआ है, इसको हम मानते हैं। हाँ, पर्दे के पीछे पूरा खेल हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जहाँ पूर्व पर्षद द्वारा, वो भी पूर्व पर्षद जनप्रतिनिधियों द्वारा ही निर्णय लिया गया वहाँ बस स्टैंड बनाने का, हम लोगों के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। पूरा जतारा 17-18 में जब पास हो गया था, तो इतने दिन तक आप जब काम बंद हो गया तो कहाँ तक? 17-18 के बाद उसकी एक लीगल प्रोसेस होती है, उसकी एक लीगल प्रोसेस होती है। AS हुआ, TS हुआ, टेंडर लगे, काम हुआ, काम निकला, ठेकेदारों को काम आवंटित हो गए। आवंटित होने के बाद काम हो गया था, काम उसके बाद काम बंद हो गया। हाँ, काम तक कहाँ रहे आप? अभी हम लोगों ने पूर्व में भी ज्ञापन दिया है, सम्माननीय यहाँ के जतारा विधायक हरिशंकर जी खटीक को भी ज्ञापन दिया है, उनसे भी अनुरोध किया गया है। उनने भी हम लोगों को विश्वास दिलाया था कि बस स्टैंड वहीं बनेगा। उसके बाद उनके आश्वासन के कारण हम लोग अभी तक रुके रहे। उनके बराबर SDM साहब द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया, प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया था। उसके बाद काम भी स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद काम स्टार्ट नहीं हुआ। काम स्टार्ट नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? आगे ये करेंगे कि हम लोगों का बिल्कुल इसके लिए जतारा बस्ती का एक एक बच्चा, जतारा बस्ती का एक एक नागरिक बस स्टैंड जतारा बाईपास पे बनाने के लिए लायक है, और वो अच्छी भली भांति ये जानता है कि बस स्टैंड वहाँ बनेगा तो विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आप भाजपा के पदाधिकारी हैं और आज आपकी इस रैली में उठाओ डेरा जाओ पलेरा भाजपा विधायक के खिलाफ नारे लगे हैं, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ये उठाओ डेरा जाओ पलेरा के नारे हमारे द्वारा नहीं लगाए गए हैं, और चूंकि हजारों की संख्या में लोग बाग यहाँ थे, अपने अपने लोगों का विवेक मत होता है। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से यह रैली निकाली है, और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, हमारे लिए सम्माननीय है। अभी हम उन लोगों से भी आग्रह करेंगे, सम्माननीय विधायक जी से भी आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, और हमें ऐसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सम्माननीय विधायक जी का हम लोगों को सहयोग निश्चित ही मिलेगा सरकार में। जतारा से योरी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।